प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और भारत की बेटी नाजिया लाई खान जी, जो कि न सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे, बल्कि चर्चा होगी पाकिस्तान से लेके पीओके पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय उनके उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे, एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे। तो बात आटा चावल पानी हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए, अब उनको वैसा बनना है जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा है, उन्नति और सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की ईरा के वक्त में, कांग्रेस के जमाने में शैला, जिन बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन युवाओं के हाथ में कॉपी कलम और किताब है, आज उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा है। आज वो युवा पहले जब बाहर निकलते थे तो टायर जलाया करते थे, आज वही युवा जाकर के किसी बड़े बड़े ऑफिस में काम किया कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिहादियों को 72% धरती पे भी मिलती है और जब वो मरते हैं तो उनको आसमान पे भी 72% का अश्लीलता का नंगा नाच मिल जाता है, क्योंकि आपके मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील हर वक्त 72% का जिक्र करते रहते हैं। अब पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान है, अब आपके हाथ में भीख का कटोरा है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास खाने को मुसीबत आन पड़ी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे अखलाक पर नुक्ता चीनी करने वाले कौन होते हैं आप लोग? ये सनातनियों का काम कभी नहीं होता है कि सलवार निकालो और गला काटो और तलवार निकालो और ये करो, ये कभी भी सनातनियों का काम हुआ ही नहीं है। हम अपने सक्सेस से, अपने अचीवमेंट से, अपने डेवलपमेंट से, अपनी तरक्की से, अपनी मोहब्बत से, अगर पीओके हमारे पास आना चाहता है, अगर पीओके आजादी का नारा लगा रहा है, अगर पीओके ये चाहता है कि जो तरक्की जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है वो हमारे पास भी हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो तो पिछले 3-4 दिनों से आजाद कश्मीर के अंदर हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं, पुलिस है, आर्मी है, रेंजर है, और रात को जी पुलिस तो हट चुकी है क्योंकि आवाम का समुंदर सड़कों पे निकल आया था, और इस वक्त जो है आर्मी और रेंजर कश्मीर के अंदर मौजूद है। उनकी दो डिमांड थी कि हमें सस्ता आटा चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, जो कि ये दो डिमांड अब सिविल वॉर की तरफ जा रही हैं, और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इंडिया की जानिब से भी कश्मीर का जो है नारा बुलंद किया गया, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हालात में भारत के अंदर कश्मीर के ऊपर जिक्र करना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बात है, क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्शन है और कांग्रेस और बीजेपी एक दफ़ा फिर से आमने सामने है पाकिस्तान को लेकर। कांग्रेस के एक लीडर है मनी शंकर, उन्होंने अपने एक वीडियो क्लिप जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ साथ पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब भी है। तो उसका जो है रिप्लाई बीजेपी के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह ने इस तरह से दिया कि हम किसी के एटम बम से नहीं डरते हैं और पीओके हमारा है और हम इसको लेके ही रहेंगे। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर दोस्तों सर्कुलेट हो रही हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद है नाजिया अली खान, जो कि वकील भी हैं और बीजेपी पार्टी की स्पोक पर्सन भी हैं, इनसे बात करेंगे। नाजिया जी, कांग्रेस ने ये बात तो बहुत अच्छी की कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक आजाद मुल्क भी है, साथ साथ वो एक एक्ट में मुल्क भी है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको बीजेपी यानी आपकी पार्टी इतना क्यों उछाल रही है और इसके ऊपर इतना ज्यादा हेट क्यों फैलाया जा रहा है? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। आप आजाद हैं? आपको ऐसा लगता है, एहसास होता है कि आप आजाद हैं? तो सॉवरेन है ना, स्टेट तो आजाद है। मैं आपसे पूछ रही हूँ,
स्टेट तब हम स्टेट को या किसी कंट्री को आजाद हम तब बोलते हैं जब वहां के रहने वाले व्यक्ति को, जब वहां के रहने वाले सिटीजन्स को, जब वहां के रहने वाले बाशिंदा को लगे कि वो आजाद है। और जो मैं आपकी रिएक्शंस रोड पर देखती हूँ उससे तो मुझे आप भी आजाद नहीं दिखाई देती हैं। देखिए इस बात में शाला कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जिहादियों के लिए जन्नत है। पाकिस्तान में जिहादियों को 72% धरती पे भी मिलती है और जब वो मरते हैं तो उनको आसमान पे भी 72% हूरों का अश्लीलता का नंगा नाच मिल जाता है, क्योंकि आपके मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील हर वक्त 72% हूरों का जिक्र करते रहते हैं। मीरपुर पीओके कश्मीर आज ये चिल्ला चिल्ला करके अपने बारे में बता रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कश्मीर का फ्यूचर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदा सिटीजन जो वहां पर रहते हैं वो आज मिचल मीटिंग कर रहे हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आटा से लेकर के बिजली से लेकर के अब बात आजादी पर पहुंच गई है। कभी ब्लोच चिल्लाता है, कभी आपका सिंध प्रोवांस चिल्लाता है और कभी पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चिल्लाता है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमें आटा सस्ता दे दिया जाए पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। बात सिर्फ पीओके से आवाज सिर्फ इतनी सी उठ रही थी कि हम बिजली निकालते हैं, पैदा हम करते हैं और हमें ही हजारों लाखों रुपए में बिजली का बिल पे करना पड़ता है और हजारों लाखों ऐसे घर है जहां पर बिजली पहुंच भी नहीं रहा है जबकि पैदा करने वाला पीओके। तो बात आटा चावल पानी हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए, अब उनको वैसा बनना है जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा है, उन्नति और सक्सेस के ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की ईरा के वक्त में, कांग्रेस के जमाने में शैला जिन बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन युवाओं के हाथ में कॉपी कलम और किताब है, आज उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा है। आज वो युवा पहले जब बाहर निकलते थे तो टायर जलाया करते थे, आज वही युवा जाकर के किसी बड़े बड़े ऑफिस में काम किया कर रहे हैं। जो बच्चे पहले मुंह पर पर्दा लगा करके, मुंह पे रुमाल बांध करके, कुर्ता पैजामा पहन करके, सर पे टोपी पहन करके, कुर्ते के पॉकेट में पत्थर रखा करते थे, आज वही बच्चे, आज वही युवा सीधे जाते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में और स्कूल में जाकर के शिक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर 2019 के आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत सक्सेस हो रहा है और सुविधाओं का भंडार उनको मिल रहा है, योजनाओं का भंडार उनको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐसा लग रहा है कि हम भी इसका हिस्सा बन सकते थे, इस कामयाबी का, इस खुशहाली का, इस खुशनसीबी का हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले बाशिंदा भी बन सकते थे, ये उनको एहसास हो रहा है। तो आटा और बिजली की लड़ाई अब आजादी की लड़ाई पर उतर आई है। आप सोचिए कि पूरा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी से कांपता है, थर थर कांपता है, लेकिन अब कश्मीरी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं वो इस डर को निकाल करके कहीं बाहर फेंक चुके हैं और आपके आर्मीज के ऊपर वो पत्थरबाजियां कर रहे हैं। आपके आर्मीज के ऊपर मणिशंकर अय्यर साहब, अगर भारत के गृह मंत्री को और भारत के योद्धाओं को और भारत के वीरों को और भारत में हम जैसी कन्याओं को, पुत्रियों को ये डराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एटम बॉम्ब है, तो मैं मणिशंकर अय्यर से लेकर के राहुल बाबा तक, जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग है, मैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन शैला आपके माध्यम से दे देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत है वो भी वो कर्ज में रखा हुआ है, तो पाकिस्तान उस एटमी ताकत को इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो कर्ज हमारा एटम बम भी है, नहीं रखा हुआ किसी के पास। अब मैं आती हूँ आपके आपको ये बताने के लिए कि आखिर पीओके के दिमाग में ये बात आई क्यों। तरक्की किसको नहीं अच्छी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल हक है भाई, नहीं अच्छा लगता है। खुशहाली किसको नहीं अच्छी लगती है? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उसको पढ़ा लिखा देखना चाहोगी, इंजीनियर डॉक्टर जज वकील देखना चाहोगी, किसको नहीं अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। हम जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की सड़कें अच्छी हो, ये किसको नहीं अच्छा लगता है? उस देश में बड़े बड़े अस्पताल हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बड़े बड़े कारोबार की जगह हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये किसको नहीं पसंद आता है? देखो घर का छत, हॉस्पिटल, राशन,
पानी, बिजली, ये बहुत मामूली चीजें हैं और ये इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात में से आती है, तो एटलीस्ट ये चीजों की जरूरत तो होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मुसलमान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, अब उनको भी ये एहसास हो गया है कि भाई हमें मदरसे की जरूरत नहीं है, हम खुद मुसलमान हैं, अपने बच्चे को दीनी तालीम हम खुद दे देंगे, और थूक है हम जैसे लोगों पर अगर हम अपने बच्चे को मदरसा भेज रहे हैं दीनी तालीम के लिए। चार कुल पढ़ाने के लिए, अत्तयात पढ़ाने के लिए, आयतल कुर्सी पढ़ाने के लिए, सूर्य फतह पढ़ाने के लिए अगर हम हमें अपने पैदा किए हुए औलाद को मदरसा भेजना पड़ रहा है तो हम तो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि भैया हमें स्कूल दो, हमें यूनिवर्सिटी दो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमें हमें अच्छी सड़कें दो, हमें अनाज दो, हमें बिजली दो, हमें पानी दो, जो जो बेसिक जरूरियात है वो हमें दो। अब तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा और लाल चौक पे जब हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई थी, उस हनुमान चालीसा की गूंज से आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, कितना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे देखा आपने नाजिया लाई खान जी ने बात की पीओके के हालात के ऊपर, जहां पीओके में एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग और पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस आमने सामने और कई सारे लोगों की मरने की खबर और इंजर्ड होने की खबर सामने आ रही है। हम जानते हैं कि जैसे जेएंडके की तरक्की हुई है, जम्मू कश्मीर की तरक्की देख के पीओके के लोगों के दिल में भी आशा की किरण जगी है और वो भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा नाजिया लाई खान जी ने कहा, आटा और बिजली की लड़ाई अब आजादी की लड़ाई पे बदल चुकी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।